सागर व्यासुर नारायण हैदरी जारी नारायण गौसिया यासुर सरकार की आमद मरहबा मंठार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा जिसने ईद मिलाद नबी जिंदाबाद। नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को एक और सिहाबी बयान करते हैं, वो फरमाते हैं काना मिसल शम्स वल कमर। नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर चांद सूरज जैसा था, दोनों चीजों को जमा कर दिया कि किसी हद तक अक्कासी तो हो सके। लेकिन बात फिर वही है, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुबिर अल कमर। ये जो चांद सूरज रोशन है, ये आपके नूरे पाक की भीख लेकर, आपके नूरे पाक की भीख लेकर रोशन है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल को कोई क्या बयान कर सकता है। एक और हदीस पर दर्ज करता हूं, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा वो बयान फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा सहरी के वक्त कुछ सी रही थी चराग की रोशनी में। उस वक्त ये ट्यूब लाइट जो टीवी वगैरह होती है, चराग की रोशनी में, दिए की रोशनी में कुछ सी रही थी। आजकल तो हमें लगता है ये बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि हम तेज लाइट के आदि हो गए हैं, लेकिन हमें याद है हमने लाइट टाइम पर बैठकर घर में काम किया है स्कूल का, तो उस वक्त हो सकता था, अब बहुत मुश्किल लगता है। तो वो चराग की रोशनी में कुछ सी रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर, तो इत्तेफाक देखिए कि इधर हजरत आयशा के हाथ से सुई गिर गई और साथ ही चराग भी गुल हो गया बंद हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। अस्सलामु अलैकुम। आप जब मुस्कुराए ना अस्सलाम, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि आपका मुस्कुराना था कि कमरा जगमग जगमग रोशन हो, और इतना रोशन हुआ कि मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। सोजने गुमशुदा मिल तब सुम से तेरे सोजने गुमशुदा मिलती है तब सुम से तेरे, और शाम को सुबह बनाता है उजाला शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे मरवी ही है, सीरत की किताबों में ये वाक्या मौजूद है, फरमाती कि मैं एक मर्तबा घर में चरखा काट रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सामने बैठे अपने नालैन अपने जूते मुबारक मुरम्मत कर रहे। क्या किस्मत और क्या शान है, अपने जूते मुरम्मत कर रहे। हजरत आयशा फरमाती आप घर के अंदर जिस तरह आप लोग घरों में काम करते हैं, इसी तरह घर पे आप हर तरह के काम करते थे, कपड़ों को सी लेते, अपने जूते पैबंद करते, घर का काम घर करवा देते, तो इसमें कोई हार वाली बात नहीं है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप
जूते मरम्मत फरमा रहे थे और आपके चेहरा अनवर पर पसीने की बूंदे, पसीने के कतरे वो कुर्बान हो रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका चरखा काटती काटती जब आपकी तरफ नजर पड़ी ना तो देखकर चरखा भूल गया, आपकी तरफ टिटकी बांधकर देखे जा रही, और जब कोई आपकी तरफ तेज नजरों से या गौर से देख रहा हो तो उस नजरों की हिद्दत जो है वो जिसको देखा जा रहा उसको महसूस हो जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने निगाहे उठाई फरमाया आयशा क्या देख रही हो? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ रहा का अभी अबू कबीर अल हुजली, ये एक जमाना जाहिलियत का शायर था अबू कबीर हुजली, अगर इस कैफियत में आपको अबू कबीर हुजली देख लेना तो उसे पता चल जाए, उसे ये यकीन हो जाए कि जो उसने शेर कहा है उसका सही मिसदाक आपकी जात है। वो शेर क्या है कि लौ रएतु इला असिद्रत वजहही, कि जब मैं उसके चेहरे के खतूत को देखता हूं, लाइनों को देखता हूं, बरकत बुरुकल आरिजिल मुतहल्लली, तो वो इस तरह चमकते हैं, इस तरह दमकते हैं जिस तरह अंधेरी रात में गंगोर घटा छाई हुई हो, बादल गरजे बिजली चमके, तो उस वक्त जो मंजर होता है वो मंजर मुझे नजर आ जाता है। अगर अबू कबीर आपको देख लेना तो उसे पता चले कि ये शेर उसने आपके लिए ही कहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर पसीने की बूंदों के मंजर को आला हजरत अजीम उल बरकत अलैहिर रहमा ने भी बयान किया अपने मशहूर जमाना सलाम में, और उस पर तस्दीम बांधी है सैयद मरगूब अख्तर अल हामदी, मुसहफे नूर पर आबे सर का वरक, मुसहफे नूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, और आबे सर उस पर सोने का पानी, उसको पसीने को उसके साथ शीले, मुसहफे नूर पर आबे सर का वरक, या कफे हूर पर मोतियों का तबक, मन रानी में है कदरा की रकत, ये भी एक हदीस पाके इशारा, मन रानी फकद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक का एक दीदार किया, मन रानी में है कदरा आपकी रकत, शबनम दावे हक यानी रुख कारत, उसकी सच्ची बराबत पेदा